तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हैं कि अभी हमारी पार्टी चल रही है, तो आयुष बोल रहा था शाम को कि उसको स्प्राइट पीना है, और तो वही स्प्राइट आया था उसके लिए। तो हम लोग भी मतलब हम सब मिलकर पी रहे थे, तो अभी मतलब सबके ग्लास में तो देना पड़ रहा था बार बार, क्योंकि स्प्राइट मतलब ग्लास में डालने के बाद उसमें झाग तो आ ही जाता है और फिर उस फूट जाता है, इसलिए बार बार देना पड़ रहा था। तो देखिए अभी हम लोग स्प्राइट पी रहे हैं और ये आप लोग को पिला रही है, और हम लोग अभी चेस्ट कर रहे थे तो अभी हम लोग पी रहे हैं। और आप लोग आइए, आप लोग भी पी लीजिए, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली हैं। तो मैं तो आप लोग भी को अपनी फैमिली मानती हूँ, पर पता नहीं आप लोग हमें अपनी फैमिली मानते हो या नहीं, क्योंकि आप लोग हमें सपोर्ट नहीं करते हो, और करते हैं कुछ लोग, और कुछ लोग मतलब बिना वीडियो देखे ही कमेंट कर देते हैं और लाइक भी नहीं करते। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, आप लोग पूरा वीडियो देखें एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। बहुत लोग मतलब अन कर देते हैं, तो प्लीज़ अन ना करें, मैं बार बार बोल रही हूँ वीडियोस में। तो अभी हम लोग पी रहे हैं, और क्योंकि आप लोग को तो पता है कि स्प्राइट बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा मतलब पीने में लगता है, तो वही धीरे धीरे पी रही थी मैं। और तो देखिए अभी उनको जाना था, तो वही जाने के लिए मतलब वो निमकी बना रही थी मैं। तो वही आप लोग को मैं थोड़ा सा दिखा रही हूँ, तो उसमें मैंने नमक डाल दिया, और पता नहीं आप लोग को मतलब यहाँ क्या बोला जाता है, पर शुरू में जो डाला था वो मंगरेला अजवाइन था, और इसमें मोम डलाएगा रिफाइन तेल, और उसको डालकर मतलब अच्छे से मिक्स किया जाएगा उसको। उसके बाद इस मैदे का डो बना लेंगे, ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाएंगे, मतलब मीडियम साइज़ का बनाएंगे। और तो देखिए उधर मेरा दूध गिर गया था, मैं देख नहीं रही थी उधर। तो देखिए मैंने डो बना लिया है, और इसके मैं बड़े बड़े मतलब बड़े बड़े टुकड़े कर लूँगी अलग अलग, और उसको फिर बेल कर साइज़ में काटते हैं। तो वही दिखा रही थी आप लोग को अच्छे से। और इसे तो हम शाम के स्नैक्स या फिर चाय के साथ कुछ भी के साथ खा लेते हैं, और बच्चे इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ये मतलब फ्राई किया हुआ रहता है और खाने में अच्छा भी लगता है। तो देखिए मुझे चाकू से काटना नहीं आता, इसलिए मैं कैंची से काट रही थी, क्योंकि मैं हमेशा कैंची से ही काटती हूँ। और तो वही मैं काट रही थी, और मैंने फिर से दूध का दूध चढ़ा कर गैस चला दिया है, और देखिए अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए, और अब मैं उसमें तेल डाल दूँगी। मैंने मतलब काटने के लिए छोड़ दिया, तो ये काट रही थी, और मैं उधर वेट कर रही थी कि कढ़ाई गर्म होगी तभी तो मैं तेल डालूँगी। तो मैं भी बोलती हूँ कि तो देखिए अभी गर्म हो चुका है तेल, और मैं इसमें डाल दे रही हूँ। फर्स्ट टाइम में मतलब बहुत ज़्यादा डला गया था और तेल कम था, तो अजीब सा मतलब बन गया था शुरू में, फिर बाद में ठीक बना था। तो देखिए जितना भी वहाँ पे था मैं सारा डाल दी थी उस समय। शुरू में मुझे लगा कि तेल ज़्यादा है, इसलिए मैंने ज़्यादा डाल दिया था। और देखिए अभी मैं निकाल रही हूँ, तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाया था, क्योंकि उनको भी देना था और घर पे भी रखना था, क्योंकि बच्चे बहुत खाते हैं ये। तो देखिए बन चुका है, और मैं दोबारा डालूँगी। तो देखिए आज इसी ने गोलगप्पा बनाया था, क्योंकि मैं नहीं बनाती, यही सब करती है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।